इलेक्ट्रिक कार्स बढ़ती जा रही है, लेकिन ज्यादातर जो गाड़ियां हैं ये बजट से बाहर होती हैं और अफोर्डेबल नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो कई चीजों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पर टाटा मोटर्स ने इसका हल निकाला है जहां पे आपका बजट भी ना बिगड़े और आपको कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े। ये है टाटा टियागो ईवी, जिसे चलाकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये एक कंप्लीट हैचबैक है और फुल्ली इलेक्ट्रिक है। ये कार जनवरी 2023 में लॉन्च हुई थी और आज के दिन ऑलमोस्ट 15,000 से ज्यादा कस्टमर्स टियागो ईवी खरीद चुके हैं। टियागो से आप और हम कई सालों से वाकिफ हैं और उसी प्लेटफॉर्म पे टियागो ईवी बनी है, जिसमें टियागो के सारे गुण हैं। ये एक गुड लुकिंग हैचबैक है जिसमें आपको एक ईवी स्पेसिफिक ग्रिल मिलती है। इसका जो ह्यूमैनिटी लाइन है ये आपको ईवी ब्लू कलर में मिल जाता है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, फॉग लैम्प्स भी साथ में आपको मिल जाते हैं। इसमें ORVM जो है ये ऑटो फोल्ड वाला मिल जाता है, और इसी के साथ साथ आपको इसमें कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ भी मिलता है। हाइपर स्टाइल व्हील्स इसमें आपको मिल जाते हैं, और फेंडर पे यहाँ पे आपको ईवी का एक बैज भी मिल जाता है। इसके बम्पर पे जो ट्राई स्टार की डिज़ाइन आपको मिल जाती है ये इसे एक अलग आइडेंटिटी देती है, और ये दूर से भी नज़र आती है एंड दिस लुक्स प्रीटी कूल। यहाँ पे रियर कैमरा आता है, इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज है। टियागो ईवी की डिज़ाइन को हम टाइमलेस भी कह सकते हैं और ये हमेशा अच्छी ही दिखेगी। अब इंटीरियर्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे लेदरेट की अपोल्स्ट्री आपको मिल जाती है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है इसमें। इसके एसी वेंट्स पे आपको टील ब्लू कलर के एक्सेंट्स मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स भी जो है इसका काफ़ी बड़े साइज़ का है विथ टैबलेट स्टोरेज। और इसके जो डोर हैंडल्स हैं इसमें आपको क्रोम मिल जाता है, जो काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। फीचर्स भी आपको इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है जिसमें हारमन का 8 स्पीकर का सिस्टम है, और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस सेगमेंट में टियागो में आपको बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मिलती है। और उसी के साथ साथ इसमें आपको जेड कनेक्ट ऐप मिलता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और ये बेस वेरिएंट से ही मिलता है। ये एक बहुत खास बात है कि इसके बेस वेरिएंट में भी आपको जेड कनेक्ट के फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको ड्राइविंग एनालिटिक्स, लोकेशन ट्रैकिंग, चार्जिंग के स्टेशन कहाँ कहाँ हैं वो आपको दिख जाते हैं, रियल टाइम चार्ज स्टेटस क्या है वो आपको पता लग जाता है, जियो फेंसिंग है, वैले मोड है, और इसमें रिमोट ऑपरेशंस भी है जो आप स्मार्टफोन के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं कार को, लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं कार को प्री कूल करने के लिए। तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। गाड़ी का हेल्थ स्टेटस क्या है ये भी पता लग जाता है, और एडिशनली इसके कुछ फीचर्स आप स्मार्ट वॉच के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। टियागो ईवी में कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं जैसे ऑटो एसी, जो इसके बेस वेरिएंट से आता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बेस वेरिएंट में भी आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता है। इसके अलावा और भी प्रीमियम फीचर्स हैं जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, और क्रूज कंट्रोल है, जो काफ़ी डिमांडेड फीचर्स हैं, लोगों को बहुत पसंद है, वो आपको इसमें मिल जाता है। उसके अलावा हिल असेंट और हिल डिसेंट असिस्ट भी आपको मिलता है, और अगर आप हिली एरियाज में चलाते हैं तो ये फीचर बहुत ही हेल्पफुल है। अब इंटीरियर्स तो इसके स्पेशियस हैं ही, प्लस इसमें आपको बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता है बट उसकी जगह पे आपको एक पंचर रिपेयर किट मिल जाता है, तो सामान रखने के लिए इसमें जगह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब टियागो में आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शंस मिलते हैं, और आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से आप कोई भी एक पैक चूज कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज जो है ये 24 kWh का है, जिसमें 55 kW का पावर है और 114 Nm का टॉर्क है। लॉन्ग रेंज की जो ARAI स्पेसिफाइड रेंज है ये 315 km की है। मीडियम रेंज की अगर बात करें तो इसमें 19.2 kWh है विथ 45 kW ऑफ पावर एंड 110 Nm ऑफ टॉर्क, और इसकी भी जो ARAI स्पेसिफाइड रेंज है ये 250 km की है। टियागो ईवी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो बैटरी पैक है ये लिक्विड कूल्ड है। वैसे इस सेगमेंट में और गाड़ियां जो आती हैं, ईवीज जो आती हैं, उनमें एयर कूल्ड बैटरी पैक आता है, लेकिन लिक्विड कूलिंग में फ़ायदा ये है कि हमारे जो कंडीशंस हैं, इंडियन कंडीशंस हैं, ये काफ़ी गर्म कंडीशंस हैं, हॉट क्लाइमेट है, तो उसमें लिक्विड कूल बैटरी जो होती है ये बहुत ही काम की है और लॉन्ग लाइफ आपको मिलती है, एंड ऑफकोर्स सेफ्टी भी इस वजह से बढ़ जाती है। और टियागो ईवी की जो बैटरी है इसमें LFP सेल केमिस्ट्री आती है, जो कि एडवांस्ड है, और बाकी जो दूसरी सेल केमिस्ट्रीज होती हैं उनसे ये ज़्यादा बेहतर है। एक और अच्छी बात है कि टियागो ईवी की जो बैटरी है और मोटर, ये दोनों ही IP67 रेटेड है। IP का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन, इसका मतलब ये डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है। ये जानना ज़रूरी है कि दोनों बैटरी और मोटर पे आपको 8 ईयर्स या फिर 1.6 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। अब ये जो जिप्ट्रॉन आर्किटेक्चर है
ये टाटा की और भी गाड़ियों में यूज़ होता है, जैसे कि नेक्सॉन ईवी है या टिगोर ईवी है, और क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें, मिलाकर सबको देखें, तो ये गाड़ियाँ 1 बिलियन से भी ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी हैं, यानी कि 10 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा ये गाड़ियाँ चल चुकी हैं। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडियन टफ कंडीशंस के लिए ये प्रोवन है और रिलायबिलिटी की कोई टेंशन नहीं। टियागो ईवी में आपको चार्जिंग के भी अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप घर के लिए चाहते हैं तो आपको एसी होम वॉल बॉक्स चार्जर मिल जाता है। मीडियम रेंज को चार्ज करने के लिए इसे 6.9 आवर्स लगते हैं और लॉन्ग रेंज को चार्ज करने के लिए 8.7 आवर्स इसमें लगते हैं 10 से 100% चार्ज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपको 7.2 किलोवाट का मिल जाता है, जो एसी होम वॉल बॉक्स चार्जर है, और मीडियम रेंज को ये 2.6 आवर्स में चार्ज कर देता है, लॉन्ग रेंज को 3.6 आवर्स में चार्ज करता है 10 to 100%। और जब आप बाहर हों तब आप किसी भी 15 एम्पियर प्लग पॉइंट से इसे चार्ज कर सकते हैं। मीडियम रेंज अगेन 6.9 आवर्स में चार्ज होता है और लॉन्ग रेंज जो है 8.7 आवर्स लगते हैं इसे चार्ज होने के लिए फ्रॉम 10 to 100%। और चौथा ऑप्शन जो है वो है डीसी फास्ट चार्जर का। अब इस गाड़ी में आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, और अगर आप ये डीसी फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो 10 to 80% चार्ज आपको 58 मिनट्स में ही मिल जाता है, यानी लगभग एक घंटे से कम में आप 80% इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं अगर आपने ये डीसी फास्ट चार्जर यूज़ किया तो। टियागो ईवी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ये इसके परफॉर्मेंस से भी पता चलता है। सिपी परफॉर्मेंस है जो कई सारे आईसी यानी इंटरनल कंबर्शन इंजिन की गाड़ियों को भी मात दे दे। इंस्टेंट टॉक आपको इसमें मिलता है और ये पावर जो है आपको महसूस भी होता है और आसानी से आप ओवरटेकिंग भी कर सकते हैं 0 to 60 in जस्ट 5.7 seconds, विच इज फिनोमिनल। ये फन टू ड्राइव कार है, उसमें दो ड्राइविंग मोड्स आते हैं, सिटी और स्पोर्ट। साथ ही आपको 4 levels ऑफ रीजनरेशन मिल जाता है, बेकिंग रीजनरेशन, और इस वजह से आपकी ओवरऑल जो रेंज है ये भी बढ़ जाती है। अगर आप सिटी में चला रहे हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो इसे हाईएस्ट मोड पे अगर आप रखें तो इसका बहुत फ़ायदा भी मिलता है। इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट है ताकि आपकी जो सिटी की ड्राइविंग है ये आरामदायक रहे। टियागो की राइड और हैंडलिंग मानी हुई है और यही सब आपको टियागो ईवी में भी मिलता है। साथ ही इसका जो कम्फर्ट है ओवरऑल, ये भी काफ़ी कमाल का है। चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, चाहे आप पीछे की सीट पर बैठे हों, ओवरऑल जो कम्फर्ट है आपको इसमें ये अच्छा मिलता है। यूजुअली जो इस कैटेगरी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनमें आपको इतना कंफर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि बैटरी के वेट को अकोमोडेट करने के लिए सस्पेंशन को ज़्यादा स्टिफ कर लिया जाता है, तो इस वजह से जो राइड कंफर्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन टियागो ईवी में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, द राइड कम्फर्ट इज़ रियली गुड। अब बात आती है सेफ्टी की, जो एक बेहद ज़रूरी चीज़ है जब आप कोई कार खरीद रहे हो या ख़ास तौर से एक ईवी खरीद रहे हो। टियागो ईवी का जो प्लेटफॉर्म है, इसे ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार की रेटिंग मिली है, जो कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। ये एक मजबूत गाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो मोटर है और बैटरी है ये दोनों IP67 रेटेड है, जो डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है। और इस वक्त मैं मुंबई की बरसातों में इसे चला रहा हूँ, हेवी मानसून है, ज़ोर से बरसात हो रही है, और आप जानते हैं कि मुंबई की जो सड़कें हैं ये अक्सर वाटर लॉक हो जाती हैं, पानी भर जाता है, तो मैंने वाटर लॉक सड़कों पर भी चलाया जहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई भी दिक्कत मुझे महसूस नहीं। अन्य सेफ्टी फीचर्स जैसे डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD और हिल होल्ड असिस्ट भी इसमें आपको मिलता है। इसके रिवर्स कैमरे में आपको डायनेमिक गाइडलाइंस मिल जाते हैं, जो पार्क करते समय या रिवर्स करते समय आपको बहुत हेल्प भी करते हैं, और क्लैरिटी भी जो इसके स्क्रीन की है ये काफ़ी अच्छी है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टियागो ईवी में आप हर महीने लगभग 7,500 रुपये बचा सकते हैं अगर आपकी रनिंग 1,000 किलोमीटर के आसपास हो हर महीने, यानी कि सालाना आप 85,000 यानी 85,000 रुपीज तक की बचत कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो है 8.69 लाख से शुरू होती है और 12.03 लाख तक जाती है एक्स शोरूम। अंत में यही कहना चाहूंगा कि टियागो ईवी एक सेंसिबल इलेक्ट्रिक कार है जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। ये पावरफुल है, किफायती है, कंफर्टेबल है और सेफ भी है।